कोलकाता के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती, मॉर्गन के सामने बड़ा चैलेंज। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रविवार को शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आईपीएल के 13वें सीजन के 35वें मैच में सनराइजर्स से भिड़ेगी। इस मैच में सभी की नज़रें इयान मॉर्गन की कप्तानी पर रहेंगी। दिन में कप्तानी मिलने के बाद इयान मॉर्गन ने शाम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम की कप्तानी मैदान पर की, लेकिन शायद उनके पास समय कम था। अब उनके पास टीम की रणनीति अपने हिसाब से बनाने का मुनासिब समय है। रास्ते से बाहर चल रही हैदराबाद के खिलाफ मॉर्गन के लिए टीम को संभालना ज़्यादा सिरदर्द नहीं होगा, उन्हें बस यही संयोजना तलाशना है। पिछले मैच में उन्होंने कुछ बदलाव किए थे जो असरदार नहीं रहे, मसलन क्रिस ग्रीन को खिलाना और उनसे पहला ओवर डलवाना, ये निर्णय उनके खिलाफ गए थे। हैदराबाद के खिलाफ इयान मॉर्गन किस तरह से टीम के खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा। उनकी चिंता बल्लेबाजी की ही होगी, यहाँ खिलाड़ियों में बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी मानसिकता ज़रूर बदली जा सकती है। और मॉर्गन अगर ये करने में सफल रहे तो टीम का एक नया रूप देखने को मिल सकता है। राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, सभी को एक अलग अंदाज की ज़रूरत है। साथ ही साथ मॉर्गन आंद्रे रसल को किस तरह से संभालते हैं वो देखना होगा। रसल इस सीज़न में तो बिल्कुल ही नहीं चले। गेंदबाजी में पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी भी अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ मॉर्गन और टीम को देखनी होगी और वो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह। कुलदीप लंबे समय से टीम से बाहर हैं, मॉर्गन कुलदीप को वापस टीम में लाते हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा। हैदराबाद के लिए भी मुश्किल है क्योंकि बल्लेबाजी उसकी भी समस्या है, अब उसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। उसे अब हर मैच में जीत चाहिए और 2016 में टीम को खिताब दिलाने वाले कप्तान डेविड वार्नर टीम को यहां किस तरह से प्रेरित करते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी। टीम अच्छा करे इसके लिए ज़रूरी है कप्तान डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे और केन विलियमसन का चलना। गेंदबाजी तो टीम की अच्छी रही है और दूसरे हाफ में तो हो सकता है कि हैदराबाद की गेंदबाजी और ख़तरनाक हो जाए। अब स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिल सकता है, ऐसे में राशिद खान बाकी टीम के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं। मोहम्मद नबी को भी टीम मौका दे सकती है और अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद के रूप में दो युवा स्पिनर टीम के पास हैं।